तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष कपूर और हम अपने नए टॉपिक की तरफ आए हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपके पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको पता क्या होता है कि यहां दो प्लेट्स होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। लेट प्लेट्स का एरिया कितना है ए, इसका एरिया भी ए है और इस वाली प्लेट का भी एरिया कितना है ए, और हम इनमें से एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं तो सामने वाली प्लेट पर, जबकि पहले कोई चार्ज नहीं था, इंडक्शन की वजह से यहां नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज, इस वाली प्लेट का पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाता है, अर्थ में। तो ये क्या बन जाता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हमने इसे प्लस क्यू चार्ज दिया है तो यहां पर माइनस क्यू चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ई, और इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस वी जनरेट हो जाएगा। स्मॉल वी मैंने बनाया, ये क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। और इसे आप ये भी कह सकते हो कि ये टोटल पोटेंशियल है, क्योंकि पॉजिटिव में से नेगेटिव घटा के जो बचा वो टोटल पोटेंशियल, वो कितना है V। तो ये आपके पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। अगर हम इसे जैसे हम चार्ज कर रहे हैं, इसमें चार्ज डाल रहे हैं इधर से, तो जैसे जैसे और चार्ज डालते जाएंगे तो पहले से जो चार्ज है वो नए आने वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, उस पर जो है पुश करेगा, उसे अपने ऊपर आने से रोकेगा। यानी कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को और ज्यादा चार्ज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। आपने पहले भी देखा होगा पिछली क्लास में भी या और कई जगह कि जहां पर भी वर्क डन होता है, जैसे कि अगर हम किसी एम मास को धरती से अर्थ से एच हाइट तक शिफ्ट करते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है डब्ल्यू, और वही वर्क डन क्या हो जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। या अगर हम एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग को खींचने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन उसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। हाफ की एक्स स्क्वायर आती है पोटेंशियल एनर्जी। और अर्थ से एच हाइट तक उठाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो एमजीएच होता है। उसे हम एक एग्जांपल से समझ भी सकते हैं कि अगर आपके पास में एम मास है, रिवाइज करवा दूं मैं आपका, उसका वेट कितना है एमजी, तो हमें इसे एच हाइट तक उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए इस एम मास को एटलीस्ट कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इस एमजी के बराबर या उससे ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लग रहा है ऊपर की तरफ एमजी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है एच, तो यानी एमजीएच क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, वर्क डन हो जाएगा। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमेशा वर्क डन से निकाली जाती है। अब हमारे को इस कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो लेट एट इंस्टेंट, एक इंस्टेंट ले लिया जब हम इसे चार्ज कर रहे हैं, यानी कि कोई एक टाइम हमने निश्चित कर लिया, उस टाइम पर जो है ये कंडीशन है कि इसका जो है चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है स्मॉल वी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है कैपिटल ई, सेकेंड प्लेट अर्थ है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है, एक टाइम है, जिस टाइम पे हम देख रहे हैं उस टाइम पर यह इंस्टेंटेनियस कंडीशन है। फाइनली हम क्या करेंगे, इसे चार्ज करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, कब तक चार्ज करेंगे, जब तक कि मान लिया चार्ज कितना नहीं हो जाता कैपिटल क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच का कितना नहीं हो जाता कैपिटल वी। तो ये तो एक इंस्टेंटेनियस कंडीशन है, और ये फाइनल कंडीशन है। और शुरुआत कैसे हुई होगी कि जब इस कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज होगा ही नहीं, यानी कि इस पे भी चार्ज जीरो, कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज जीरो नहीं है, जीरो है, यानी कि इनिशियली इनिशियल चार्ज कितना था जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस भी इन दोनों के बीच का कितना था जीरो। तो ये इनिशियल कंडीशन है। तो कैपेसिटर जो है वो तीन स्टेट्स में से पास हुआ है, शुरुआत में उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना था दोनों प्लेट्स के बीच का जीरो, क्यों, क्योंकि जब चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल भी नहीं है, उसका डिफरेंस भी जीरो है।
दूसरी बात, ये जो है सेकंड प्लेट अर्थ से ये जुड़ी हुई है, अर्थ का वैसे भी पोटेंशियल जीरो होता है। बीच में एक ये इंस्टेंटेनियस कंडीशन है जब चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है स्मॉल वी, और फाइनली क्या हो गया, चार्ज कितना हो गया कैपिटल क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया कैपिटल वी। तो हमें इस पूरे प्रोसेस में यहां से शुरू करके यहां तक लाने में जो वर्क डन किया है हमने, उस वर्क डन को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम, आप इस इंस्टेंटेनियस कंडीशन को देखो, इसमें अगर आपने एक छोटा सा चार्ज और डाला इसके ऊपर, क्यू चार्ज तो है ही है, डी क्यू चार्ज, डी क्यू इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, वो चार्ज आपने इसके ऊपर और डाल दिया, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, पहले आप छोटा सा वर्क डन निकालोगे डी डब्ल्यू, फिर टोटल वर्क डन के लिए क्या करोगे, उस डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करोगे। ऐसे ही हम करते हैं बाकी लेक्चर, बाकी के डेरिवेशन में भी। तो इसलिए हम यहां पर छोटा सा चार्ज डी क्यू डालने में वर्क डन को देखेंगे। तो वर्क डन इन प्लेसिंग डी क्यू चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर के ऊपर डी क्यू चार्ज डालने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू। छोटा सा चार्ज डाला है तो छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू, डी का मतलब होता है छोटा, स्मॉल क्वांटिटी। तो आपको पता है डी डब्ल्यू कैसे निकलेगा, आपके पास में पोटेंशियल का फॉर्मूला था जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, तो मेरे लेक्चर को आप देख सकते हो पिछले, कि पोटेंशियल का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहां डब्ल्यू क्या है कि क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, V इंटू डी क्यू, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्क डन छोटा है डी डब्ल्यू है, तो यहाँ चार्ज भी छोटा है डी क्यू है। तो इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे किया है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू, और मैं रीजन यहां लिख रहा हूं बिकॉज पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, या डी, या आप ये कह सकते हो कि वी इज इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। ये मैंने रीजन लिख दिया और ये यहां पर ये लिख दिया। तो ये छोटा सा वर्क डन है। अब यहां पर आप देखो कि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो इंटीग्रेशन किस चीज के रेस्पेक्ट में होगा, चार्ज की, और जबकि यहां पे क्या है पोटेंशियल, तो यानी कि हमें इस पोटेंशियल डिफरेंस को भी चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर ए कैपेसिटर, इसे तो हमने इक्वेशन नंबर वन मान लिया, तो फॉर ए कैपेसिटर चार्ज में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशनशिप होती है, हम पहले निकाल चुके हैं कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू के अपॉन में सी आ जाएगा, क्यू अपॉन सी। इसे आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर वन में, तो आपको क्या मिल जाएगा, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर वन ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। ये छोटा सा वर्क डन है और ये अब चार्ज की ही टर्म में है, क्योंकि यहां चार्ज के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो गया, डी क्यू जो है वो चार्ज है छोटा सा। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन सी एंड डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो हम उसकी लिमिट्स रखते हैं, कहां से कहां तक, इनिशियल लिमिट से लेकर फाइनल लिमिट तक। इनिशियली चार्ज कितना है जीरो, पोटेंशियल भी जीरो है, और फाइनली चार्ज कितना है कैपिटल क्यू। तो इनिशियल यहां लिखेंगे जीरो चार्ज, क्योंकि यहां चार्ज की रेस्पेक्ट में हो रहा है, और फाइनल चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, ये ऊपर लिख देंगे और इंटीग्रेशन को करेंगे। उससे पहले आप सी देखो, कैपेसिटेंस जो होता है वो किसी भी कंडक्टर के लिए या किसी भी कैपेसिटर के लिए एक कॉन्स्टेंट होता है। तो यहां कैपेसिटर जो है, कैपेसिटेंस जो है वो बाहर निकल जाएगा। कॉन्स्टेंट तब तक होता है जब तक कि उसके साथ में कोई छेड़छाड़ ना की जाए, यानी कि उसकी प्लेट्स का एरिया या उनके बीच की डिस्टेंस या उनके बीच का मीडियम, इसे चेंज नहीं किया जाता या शेप को चेंज नहीं किया जाता, तो कैपेसिटेंस क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। और हमने इस थ्रू आउट द प्रोसेस हमने कैपेसिटेंस को चेंज नहीं किया है, इसलिए सी को बाहर ले लेंगे। तो वन अपॉन सी इंटीग्रेशन जीरो से लेकर क्यू तक, स्मॉल क्यू का इंटीग्रेशन डी क्यू। अब क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डीएक्स क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इंटीग्रेशन के रूल्स आपको थोड़ा सा समझने पड़ेंगे।
जो यहाँ पावर होती है, जैसे यहाँ पावर कुछ नहीं है तो वन मानेंगे, तो उसमें वन और ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसकी इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, वन अपॉन सी क्यू की पावर वन में वन ऐड करेंगे तो यानी क्यू की पावर टू और नीचे टू से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे एक लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं, उस लार्ज ब्रैकेट के किनारों पर लिमिट्स रखते हैं, इनिशियल लिमिट जीरो, फाइनल लिमिट क्यू, जीरो से लेकर क्यू तक हो रहा था तो जीरो से क्यू तक। अब जब हम इसे सोल्व करते हैं तो पहले क्या करते हैं, हम अपर लिमिट रखते हैं, स्मॉल क्यू के प्लेस पे कैपिटल क्यू रखेंगे, यानी वन अपॉन सी कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन टू, फिर इस स्मॉल क्यू के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो माइनस जीरो का स्क्वायर अपॉन टू यानी कि जीरो, जीरो का स्क्वायर अपॉन टू यानी जीरो। इसे आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, वन अपॉन टू बाहर ले लो और क्यू स्क्वायर अपॉन सी, तो यानी कि इसके आगे मैं इधर कर रहा हूं तो कैपेसिटर वाल्डन जो है वो आपके पास में आ गया वन बाई टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। यही वाल्डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यानी यू इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो ये आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ये इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम किसी चीज को लिफ्ट करते हैं एच हाइट तक तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्प्रिंग को खींचते हैं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है, वो भी रेस्ट में, चार्ज रेस्ट में। तो आप इसी को मॉडिफाई करके और भी दो फॉर्मूले बना सकते हैं, बट आपको पता है कि कैपेसिटर के लिए क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, ये फॉर्मूला होता ही है ना, छोटा वी बना लो, यहाँ स्मॉल क्यू है तो स्मॉल वी, और यहाँ कैपिटल क्यू है तो कैपिटल वी बदल लेंगे। तो आप ये देखो कि सी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी। अगर मैं ये वैल्यू यहां रख दूं, ये वैल्यू सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो सी इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल वी, फाइनल कंडीशन देख रहे हैं क्योंकि फाइनली देखना है हमें, तो ये वैल्यू यहां रख दूं तो हमें क्या मिलने वाला है, ये आपकी लेट ये इक्वेशन नंबर टू है, तो पुटिंग इन टू तो यू इज इक्वल टू वन बाई टू, तो यही है, जब एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा और वी घूम के ऊपर चला जाएगा तो हाफ क्यू वी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया कि हाफ क्यू वी। तो अभी हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए पोटेंशियल एनर्जी के, एक तो है क्यू और सी में, एक है क्यू और वी में, अब एक सी और वी में चाहिए, तो सी और वी में के लिए हम क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू क्या है सी वी, यहां इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दो, तो पुटिंग क्यू इज इक्वल टू सी वी इन इक्वेशन नंबर टू, इसमें पुट कर देंगे आपको क्या मिल जाएगा, यू इज इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आपका मिल जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये भी एक फॉर्मूला आ गया फोर्थ, हाफ सी वी स्क्वायर। तो जहां पर न्यूमेरिकल में जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, मान लिया आपको क्यू और सी दे रखा है तो आप ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू और वी दे रखा है तो ये यूज करेंगे, और सी और वी दे रखा है तो ये वाला यूज करेंगे। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के तीन फॉर्मूले हैं, हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये तीनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं और तीनों से सेम ही आंसर आते हैं। अगर हम ग्राफ खींचें किस किस चीज के बीच में, क्यू और सी के बीच में, एक तरफ हमने ले लिया क्यू और एक तरफ हमने ले लिया वी, क्यू और वी के बीच में खींच लें तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों आएगा स्ट्रेट लाइन, इसलिए आएगा क्योंकि आप देखो फॉर्मूला क्या आपके पास में, जैसे यहां है क्यू इज इक्वल टू सी वी, किसी भी कैपेसिटर के लिए देखें, इस डेरिवेशन से अलग भी देखें तो क्यू और वी में जो ग्राफ होएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज जो है कैपेसिटेंस कॉन्स्टेंट है, तो ये जो है ये आपका स्ट्रेट लाइन आ गया। अगर मैं यहां पर यहां तक देख रहा हूं, ये फाइनल पोजिशन है, फाइनल पोटेंशियल है यहां पर और फाइनल चार्ज है, तो यहां से मैं नीचे परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये जो नीचे बीच का जो एरिया है, ये जो एरिया है यही क्या है, ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस अगर क्यू है और हाइट कितनी है इसकी वी, ठीक है, तो हाफ क्यू वी, और ये हाफ क्यू वी ही क्या है पोटेंशियल एनर्जी।
यानी कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस में ग्राफ खींचने पर, Q और V में ग्राफ खींचने पर जो ये ग्राफ आता है, इस ग्राफ के नीचे नीचे का जो ये एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये जो ट्रायंगुलर का एरिया होता है, यही कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी इस एरिया को मेजर कर लेंगे तो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी मेजर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। अगले टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को पूरा देखा करो और अगर जहां समझ में नहीं आया उसे दोबारा से पॉज करके उसे समझो और टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट्स लेते रहो, नोट्स बनाते रहो। ठीक।